बिलासपुर में इलाज के दौरान लापरवाही के मामले में एक मरीज को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जी हाँ, मृतक गोल्डी छावड़ा के परिवार ने बिलासपुर के सरकंडा पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के इस मामले में कोर्ट में अपना चार्जशीट पेश कर दिया है। आईपीसी के धारा 304A के तहत दर्ज मामले में डॉक्टर राजीव लोचन भांजा, डॉक्टर सुनील कुमार केड़िया, डॉक्टर देवेंद्र सिंह और डॉक्टर मनोज राय की मुसीबतें बढ़ने लगी हैं। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के दयालबंध में रहने वाले परमजीत सिंगर छाबड़ा ने अपने बेटे गोल्डी छाबड़ा की अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही की वजह से हुई मौत के मामले में दिनांक 7/10/2023 को सरकंडा थाने पहुंचे रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बता दें कि बेटे की मौत के बाद पिता ने 4 डॉक्टरों पर इलाज मिला परवाही भारत ने और उनकी बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 304A गैर इरादतन हत्या जैसे गंभीर धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया था। इसके अलावा पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में आईपीसी की धारा 201/34 के तहत मामला दर्ज किया था। तकरीबन 2 महीने बाद सरकंडा पुलिस ने 29/12/2023 को इन चारों डॉक्टरों जिसमें डॉक्टर राजीव लोचन भांजा, डॉक्टर सुनील कुमार केडरिया, डॉक्टर देवेंद्र सिंह और डॉक्टर मनोज राय शामिल हैं, उनके औपचारिक तौर से गिरफ्तारी की और मामला जमानती होने की वजह से मुचलके के रिहा कर दिया था। बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच कार्रवाई की और जांच कार्रवाई में यह स्पष्ट हुआ कि उपचार में लापरवाही की गई थी। वहीं इसी बात की शिकायत उन्होंने पुलिस और प्रशासन की वरिष्ठ अधिकारियों तक की थी। पूरे मामले में कोर्ट जाने की तैयारी शुरू की जा रही थी। वहीं मृतक के भाई प्रिंस छाबड़ा ने बताया कि सरकंडा पुलिस ने इस मामले में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में काफी लंबा समय लगा दिया है। जांच कार्यवाही में लगे अनावश्यक समय को भी पीड़ित परिवार ने खुद के ऊपर हुए अन्याय के तौर पर देखा है। क्या बताएंगे गोल्डी छाबड़ा के मामले में? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मामला 8 साल पुराना है। 26 दिसंबर 2016 को मेरे बड़े भाई गोल्डी छाबड़ा की मृत्यु अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा इलाज में लापरवाही बरतने के कारण हुई थी, जिसकी शिकायत हमने पुलिस थाना में दर्ज कराई थी। उचित कार्रवाई ना होने पर हमने फिर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद इसमें एक फॉरेंसिक टीम का गठन हुआ था। फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट में डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही बरती गई है सिद्ध हुआ था और सबूत मिटाए थे डॉक्टरों ने, वो भी सिद्ध हुआ था। जिसके बाद 7 अक्टूबर 2023 को पुलिस थाना सरकंडा द्वारा एक FIR दर्ज की गई थी अपोलो अस्पताल प्रबंधन और उसके संबंधित डॉक्टरों के विरुद्ध। IPC 304A मेडिकल नेग्लिजेंस यानी कि इलाज में लापरवाही, IPC 201 डिस्ट्रॉइंग ऑफ एविडेंस यानी कि सबूत मिटाना, IPC 34 कॉमन इंटेंशन यानी कि सामान्य इरादे के तहत जुर्म दर्ज किया गया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इन चार डॉक्टरों को आरोपी पाया गया था। आरोपी डॉक्टर के नाम है डॉक्टर देवेंद्र सिंह, डॉक्टर राजीव लोचन भांजा, डॉक्टर सुनील कुमार केड़िया और डॉक्टर मनोज राय। फिर 29 दिसंबर 2023 को इन चारों डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जुर्म जमानती होने के कारण उन्हें जमानत के मुचलके पर रिहा कर दिया गया था। अब जाकर इस प्रकरण में पुलिस थाना सरकंडा द्वारा इन्हीं चारों डॉक्टरों को आरोपी बनाकर माननीय न्यायालय की ओर चालान प्रस्तुत किया गया। जी, अपोलो अस्पताल एक नामचीन अस्पताल है, उनके डॉक्टर भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बट इन इस तरह की लापरवाही बरतने के बाद मरीजों का भरोसा नहीं हो पाएगा डॉक्टर के ऊपर। आगे ये इतना बड़ा संस्थान है, यहाँ पे सरकारी और गैर सरकारी संस्थान भी इससे जुड़े हुए हैं, जैसे कि SECL, रेलवे, वहाँ के कर्मचारी भी इनके पास इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो अगर ऐसा रहेगा तो आगे किस तरीके से आप बताइए कि भरोसा कर सकते हैं डॉक्टर के ऊपर? जी, थाना सरकंडा के अपराध क्रमांक 1342/2023 में विवेचना पूर्ण करके विधिवत रूप से चालान न्यायालय में पेश कर दिया गया। इसमें धाराएं लगी हैं 304A, 201/34 IPC। इसमें न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है, तो चूंकि प्रकरण न्यायालय में प्रक्रिया है तो इस पर किसी तरह की टिप्पणी किया जाना चाहिए।